भगवान करे संत महात्मा लोग राधा को जल्दी ठीक करे। आइए आइए महात्मा गण, इस वामनपुरी में आप सभी का स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, हमें बैठने के लिए मत कहिए, हम खड़े होकर पूजा करेंगे तो ही सफल होगी। ओह, तब तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार ही कीजिए। हरिओम। ये क्या, आप सबकी कमर पर ये कुबड़ जैसा क्या निकला है? ये महाराज, ये ज्ञान का कुबड़ है। बच गए। ज्ञान का कुबड़? हमने बैलों के कुबड़ के बारे में तो सुना हुआ है। मैंने गधे के कुबड़ के बारे में सुना है। बरसों की बड़ी तपस्या के बाद वो ईश्वर हम पर प्रसन्न हुए और हमें ज्ञान का कुबड़ दिया। कुंडलिनी, कुंडलिनी। हरिओम। मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान का कुबड़ फटेगा उस दिन हम समाधि ले लेंगे। तब तक महाराज जो भी पूछेंगे हम अपने ज्ञान के कुबड़ से उत्तर देते जाएंगे। कुबड़ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, बस हमारे संकट दूर हो जाएं, इतना ही बहुत है। महाराज आपकी जांग पर। जांग पर? पूरी बात सुनिए, आपकी जांग पर एक काला तिल है। और वो आपकी बाई जांग पर है। हाँ। है ना? हाँ। महाराज की जांग पर तिल है, असंभव है। महाराज की जांग पर तिल है। हमें फंसा दिया मलिका। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो संत महात्माओं ने कहा तो सच्ची होगा ना। बहुत अच्छे मलिका, महाराज की जांग पर तिल है, महारानियों को नहीं पता क्या? पता है महाराज, ये लोग सच में संत महात्मा है। वो कोई साधारण तिल नहीं है, साक्षात शंकर जी ने उसकी रचना की है। उसकी शक्ति ही आपकी रक्षा कर रही है, ऐसा हमारा कुबड़ बता रहा है। बिल्कुल सही बता रहा है। और कुछ नहीं बता रहा है क्या? Say about his daughter. What? Say about his daughter. ये कौन सी भाषा है भाई? ये ज्ञान कुबड़ की भाषा है। वो जब बोलता है हमारा मुंह स्वयं चलता है। महाराज की 5 सुपुत्रियां हैं, सबसे छोटी का नाम है राधा। ये बात तो सही, बिल्कुल सच कहा। वही कन्या आपके जीवन का सौभाग्य है, वो राधा नहीं लक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी का अवतार है। उस कन्या के शरीर में गंधर्व ने प्रवेश किया है। उस कमीने से आप छुटकारा दिला सकते हैं या नहीं, बताओ? आप उन्हें कमीना नहीं कह सकते। कहना है तो रास्कल कहिए या स्टूपिड कहिए। क्या कल रात को आप गंधर्वों को देखकर डरकर भाग नहीं गए थे क्या? आपने गंधर्वों को देखा या नहीं, बताइए? देखा। आप उस मंदिर के पास कभी मत जाइए, यदि आप गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। अब तो हम पर विश्वास हुआ ना? हाँ हुआ, किंतु आप राधा के शरीर से गंधर्व को भगा देंगे तो पूर्ण विश्वास होगा। संत लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शाबाश गजेंद्र, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वाह। माँ, मेरे शरीर से कुछ बाहर निकला, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अवश्य गैस होगा। वो गंधर्व उड़न छू हो गया। हरिओम। अब तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ ना? वो पहले जितना ही है ना राधा? हाँ, पहले जितना ही है। हे भगवान, भगवान की कृपा से तुम ठीक हो गई। भगवान नहीं, भगवान के अवतार समान इन हरि संतों की कृपा मानिए। श्री हरि कृष्ण नारायण परमात्मा की जय हो, जय हो। ये क्या रही हो, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो, जाओ। महारानी को भी ज्ञान का कुबड़ होगा क्या? अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे राजगुरु बन जाइए, हम आपके अनुसार ही चलेंगे। और मैं महाराज? आप जाइए, कहीं जाकर खेती बाड़ी कीजिए। लेकिन महाराज? क्या महाराज कर रहा है, तुम इतने दिनों से कुछ भी बोलते रहे और हम तुम्हारी बात मानते रहे, चलो जाओ यहाँ से। जैसी महाराज की इच्छा। आज के बाद राजमहल में हमारे होते कोई संकट नहीं आएगा, आशीष मिलेगा, आप लेते रहिएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम।